एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मतलब ये कि चार तरह की जो टाइप्स हैं एनिमल के अंदर टिश्यूज़ की पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये कवर करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाइन ऑर्गन एंड कैविटीज़। जितने भी ऑर्गन हैं या जितनी भी कैविटीज़ हैं, स्पेसेस हैं, उनको ये लाइन करती हैं, उनकी ये स्किन बनाती हैं। सेल्स क्लोजली पैक्ड, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स, शेप के ऊपर और इसके अलावा नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर इनकी जो टाइप्स है वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट टाइप है वो है स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स। स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स क्या हैं? ये सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की। इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं और उसकी जस्ट एक लेयर प्रेजेंट होती है, और ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल सेल्स का काम क्या है कि ये लो करते हैं मटेरियल की मूवमेंट को, ताकि जो है वो क्रॉसिंग हो सके एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायग्राम में स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स जो है वो दिखाए गए हैं। स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स में जो सेल्स की लेयर है वो बिल्कुल सिंगल लेयर है, और इसके ऊपर जो है वो कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, इसमें जो सेल है उसकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, और जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल ग्लैंड्स हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं सेक्रीशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है, और साथ में जो किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं मतलब ट्यूब्स की तरह की जो नालियाँ हैं ये दिखाई गई हैं, और इसके अंदर जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कंप्राइज होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है। तो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सब के सब जो है वो सेक्रीशंस करते हैं, हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं काम आते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स में। तो इसी वजह से इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, और इनमें भी जो है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स है वो लॉन्ग होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल फरिंग्स है, फरिंग्स से नीचे ईसोफेगस है, फिर स्टमिक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का निज़ाम है जो कि एक नाली की सूरत में है, ये सारी की सारी जो है ये एलिमेंट्री के नाल है। जबकि लीवर के नीचे जो है वो गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो ये गॉल ब्लैडर जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये इस तरह के सेल्स हैं जिसके अंदर प्रेजेंट तो कोलमनर सेल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या है? ये थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, और इनका काम क्या है, ये प्रोपेल करते हैं म्यूकस को। फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम में देखा जाए तो जो सांस की नाली है इसे ट्रेकिया भी बोलते हैं, और ट्रेकिया फिर बाद में ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जांपल राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है, और इसके अलावा लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है, फिर बाद में नेक्स्ट दोबारा से डिवीजन हो रही है और ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं। तो इस सारे ट्रैक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो स्किन है वो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल से मिलके बनी होती है, ताकि जो म्यूकस है, जो बलगम है, उसको आसानी से प्रोपेल किया जा सके, उसको धकेला जा सके। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जहाँ पे वर्ड स्ट्रेटिफाइड आ जाए इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी। तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं जिसके अंदर फ्लैट सेल्स की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं,
और ये लाइनिंग जो ईसोफेगस की होती है, मतलब जो खुराक की लाइनिंग होती है, नाली होती है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माउथ में ये प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं इनर पार्ट को। इसका इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, इसका मतलब ये है कि ये अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर डायग्राम में डिफरेंट तरह के जो सेल्स है वो दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वेमस एपिथीलियम सेल्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम सेल्स हैं। तो जो स्क्वेमस एपिथीलियम सेल्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जस्ट जो है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट है सेल की। क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स में जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप के हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम में काफ़ी ज़्यादा जो लेयर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। कॉलमनर एपिथीलियल सेल्स जो है कॉलम लाइक हैं, मतलब इलोंगेटेड हैं। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियल सेल्स के अंदर जो सीलिया है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कॉलमनर एपिथीलियल सेल्स हैं, दरमियान में न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो है इसके सीलिया मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकल रहे होंगे। ये तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे।